Good morning, students. In previous class, our topic is therapeutic communication and remaining portion. Today we discuss. In previous class, we discuss techniques of therapeutic communication. What is communication? Now the topic is types of relationship. Types of relationship between nurse and patient. First of all, social relationship, then intimate relationship, then therapeutic relationship. Social relationship का मतलब है किसी के साथ socially एक mutual trust के लिए, mutual होकर फ्रेंडशिप के लिए किसी के साथ बॉन्डिंग स्थापित करना, जैसे कि किसी को दोस्त बनाना है उसके लिए सोशल रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है, कहीं पे कोई भी अपन टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए भी सोशल रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है। सेकंड वन है इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब होता है ये एक इंडिविजुअल पर्संस के बीच में होता है और इसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग होती है काफ़ी ज़्यादा दो इंडिविजुअल के अंदर, और दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे की ग्रोथ को लेकर, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। ये होता है इंटीमेट रिलेशनशिप। लास्ट आता है थेरापेटिक रिलेशनशिप, जो कि अपना टॉपिक है। थेरापेटिक रिलेशनशिप होता है नर्स और पेशेंट के बीच में। ये रिलेशनशिप पेशेंट की बेटर केयर के लिए एस्टैब्लिश किया जाता है। तो अपने तीनों जो रिलेशनशिप है, फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप, देन इंटीमेट रिलेशनशिप और थेरापेटिक रिलेशनशिप, ये कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। क्या क्या कंपोनेंट है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट है रैपोर्ट, सेकंड एम्पैथी, थर्ड वार्मथ, फोर्थ वन इज जेन्युइननेस। इन चारों कंपोनेंट का होना थेरापेटिक रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है। फर्स्ट वन इज रैपोर्ट, नॉट रिपोर्ट। रैपोर्ट मीन्स व्हाट? रैपोर्ट का अर्थ होता है तालमेल। किसी के साथ भी तालमेल बिठाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए अपने को उसके साथ नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके साथ तालमेल एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, लाइक विलिंगनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। उस जो भी उसकी विलिंगनेस होगी, उसके पेशेंट की जो विलिंगनेस होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ व्यवहार करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, देन अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पेशेंट और नर्स के बीच में डेवलप करेंगे ताकि रिपोर्ट एस्टाब्लिश हो सके। रिपोर्ट बहुत ही असेंशियल पार्ट है थेरापेटिक रिलेशनशिप का, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है थेरापेटिक रिलेशनशिप का। रिपोर्ट जब डेवलप होगा तो नर्स और पेशेंट के बीच में थेरापेटिक रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन कंपोनेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स व्हाट? एम्पैथी मीन्स सहानुभूति। हम सब जानते हैं पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसको सहानुभूति की, एम्पैथी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और उस जगह अगर अपनी एम्पैथी या सिंपैथी नहीं होती तो एक मिसट्रस्ट डेवलप होता है पेशेंट और नर्स के बीच में, और जो कि थेरापेटिक रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं।
एम्पैथी का सही सही मायने में अर्थ ये होता है कि जो पेशेंट्स की सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर नर्स को उसके अंदर जाकर उसी तरह से फील करना कि ये अभी क्या महसूस कर रहा है, इसकी अभी क्या कंडीशन है, ये अभी क्या सोच रहा है, तो वहां पे जाके उस चीज को फील करना ये कहलाता है एम्पैथी। और एम्पैथी उस चीज को फील करके उसके साथ एक बॉन्डिंग बिहेवियर बनाना, तो ये एम्पैथी है। होता है नेक्स्ट पॉइंट है अपना वार्म्थ। वार्म्थ का अर्थ है गर्म जोशी। गर्म जोशी के साथ अगर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आ रहा है, एडमिट है, तो उसका वेलकम करना, उसको ग्रीट करना, उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना, आई टू आई कॉन्टेक्ट करके उसकी हर बात को अंडरस्टैंड करना, ताकि आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके। नेक्स्ट पॉइंट है जेन्युइननेस। जो भी आप उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो और वो आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ट्रूली होनी चाहिए। जब किसी रिलेशनशिप के अंदर जेन्युइननेस होती है तो वो रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक्स ऑफ द थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। व्हाट इज डायनामिक्स? डायनामिक्स मींस फोर्स एंड गतिशीलता। वो फोर्स जो कि साइकोलॉजिकल सोशल थॉट्स को रिलेशंस को थेरापेटिक रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट करे फोर्स को। और जो नर्स है उसको इस चीज का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डायनामिक्स की, नर्स पेशेंट थेरापेटिक रिलेशनशिप के डायनामिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज के अंदर, नर्स पेशेंट थेरापेटिक रिलेशनशिप की बाउंड्रीज के अंदर रह सके, एक प्रोफेशनलिज्म के लिए, एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए ये डायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस डायनामिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फोर्सेज हैं जो कि रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल है थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ। थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ, थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ का मतलब है कि जो नर्स है वो खुद को अंडरस्टैंड करे, वो खुद को समझे। अगर वो खुद को समझेगी, खुद का अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होगी, तब जाके वो पेशेंट के अंदर जाके कुछ ना कुछ चेंज है, पॉजिटिवनेस है क्रिएट कर सकती है। तो ये थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ पेपल्यू नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसके अंदर जो नर्स है वो अपने स्ट्रेंथ को, देम सेल्फ को अंदर से अपने अंदर डिफाइन करती है और उसको एक्सप्रेस करती है, ताकि वो एक पेशेंट के साथ अच्छा थेरापेटिक रिलेशनशिप बना सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, ये जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स खुद की जागरूकता। खुद की जागरूकता मतलब जो नर्स है वो सेल्फ अवेयर हो, उसको अपनी लिमिटेशन पता हो, अपना मोटिवेशन पता हो, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता हो, अपनी थॉट्स के बारे में पता हो, अपने आइडियाज के बारे में पता हो, अपने बारे में फुली अवेयर हो, सेल्फ अवेयरनेस हो। तो ये सेल्फ अवेयरनेस भी डायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सेल्फ अवेयरनेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए दो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक जौहरी विंडो नाम करके एक टॉपिक बनाया,
अब इस जौहरी विंडो के अंदर अपने को जो भी पर्सन है, नर्स है, जो भी है, कोई भी है, अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने पर्सनैलिटी को पहचानने के लिए, अपनी थॉट को पहचानने के लिए इस जौहरी विंडो को काम में ले सकता है। तो ये दो अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फर्स्ट जोसेफ एंड हैरी, और इन दोनों के नाम पे ही बना जौहरी विंडो। इन 1950s के अंदर इन्होंने जौहरी विंडो करके एक विंडो तैयार की फॉर द सेल्फ अवेयरनेस। अब इस जौहरी विंडो के अंदर अपन देखते हैं कि चार क्वाड्रेंट हैं, ओपन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ, हिडन सेल्फ, अननोन सेल्फ। ये चार क्वाड्रेंट एक पर्सन की खुद की पर्सनालिटी के हैं। इन क्वाड्रेंट को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतनी पर्सनालिटी है, उतनी सेल्फ अवेयरनेस है उस पर्सन की और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ओपन सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो पर्सन है, जैसे कि नर्स है या कोई भी व्यक्ति, उसको अपने बारे में सब कुछ चीजें पता होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी हाइट इतनी है, मेरा रंग ये है, मेरा आईज का रंग ये है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो ये अपने खुद को भी पता है और लोगों को भी पता है, दूसरों को भी पता है और ये अपने को भी पता है। तो ये ओपन सेल्फ, ये चीजें सबको पता होती है। दूसरों मतलब नॉन टू अदर मीन्स अदर लोगों को भी पता है, नॉन टू सेल्फ और ये अपने को भी पता है, ओपन सेल्फ के अंदर के ये सारी चीजें मेरे अंदर है, ये खुद को भी पता है और दूसरों को भी पता है। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट इज ब्लाइंड सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ। अब ये ब्लाइंड सेल्फ क्वाड्रेंट क्या है? इस ब्लाइंड सेल्फ क्वाड्रेंट का मतलब है एक ब्लाइंड पार्ट, एक ऐसी चीजें, ऐसी अपनी क्वालिटीज या ऐसी अपने बॉडी लैंग्वेज या कुछ भी अपने अंदर, ऐसी कोई भी चीज जो अपने को खुद को पता नहीं है और वो लोगों को पता है उस चीज के बारे में। जैसे अपन उस चीज के प्रति अवेयर नहीं है, अपने को उस चीज के बारे में पता नहीं, पर लोग अपने बारे में बताते हैं कि ये एक अच्छा आदमी है, ये है, वो है, ठीक है, जो भी है। नॉन टू अदर, उस चीज के बारे में लोगों को पता होता है, बट अननोन टू सेल्फ, खुद को नहीं पता होता कि मेरे अंदर ये चीजें हैं। नाउ थर्ड क्वाड्रेंट इज हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ का क्या मतलब होता है? कुछ क्वालिटीज नॉन टू सेल्फ, ध्यान से देखना, नॉन टू सेल्फ, कुछ क्वालिटी जो अपनी अपने को पता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को पता होता है कि अपन लालची हैं किसी कोई चीज के प्रति, ये अपने को खुद को पता है, बट अदर पर्सन को, दूसरे लोगों को इस बारे में नहीं पता। ये अपनी खुद की पर्सनैलिटी, अपन खुद का पर्सनैलिटी असेसमेंट करें थ्रू दी जौहरी विंडो। हिडन सेल्फ, अपने को अपने के बारे में ये पता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, ये मेरे अंदर ये अच्छा ही है, मैं ये काम करता हूँ, उसके बारे में दूसरों किसी को नहीं पता है। ये इधर है अननोन टू अदर। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो पर्सन को खुद को पता होती है पर और किसी को पता नहीं होती। देन अननोन टू सेल्फ, अननोन सेल्फ। अब इस क्वाड्रेंट का क्या अर्थ है? अननोन टू अदर, अननोन टू सेल्फ, कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने को खुद को भी नहीं पता होते और अदर पर्सन है उनको भी अपने बारे में पता नहीं होते। लाइक कभी ऐसा होता है
कि लोग कहते हैं कि यार ऐसा इसने कैसे कर दिया, ये तो ऐसा ऐसा काम कर ही नहीं सकता, इसके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते, ये अचानक इसने ऐसा कैसे ये क्या कर दिया। तो मतलब कुछ अपने अंदर भी ऐसी चीजें होती है जो अपने को खुद को भी नहीं पता होती और लोग भी अपने को इस बारे में नहीं बताते कि तो तेरा ऐसा ऐसा बिहेवियर है, तेरे ऐसे जो भी है। तो ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। जब अपन इस जोरी विंडो के फर्स्ट क्वाड्रेंट है ओपन सेल्फ, इसको जब अपन एक्सपेंड करेंगे, इसको जब अपन बढ़ाएंगे, इसको जब अपन बढ़ाएंगे थ्रू दी एरो, इसको जब अपन और एक्सपेंड करेंगे तो अपनी पर्सनैलिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी। लाइक नॉन टू अदर, नॉन टू सेल्फ, खुद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे और दूसरों को भी अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएंगे। तो अपनी पर्सनैलिटी ओपन सेल्फ का जो पैटर्न है अपने आप क्या होगा, एक्सपेंड होगा, बड़ा होगा। तो इससे क्या होगी, अपनी पर्सनैलिटी अपने आप इंप्रूव होगी। बट नो टू अदर, नो टू सेल्फ, कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो सबके साथ शेयर नहीं की जाती। कुछ पार्ट है अपने पर्सनैलिटी का, कुछ ऐसी क्वालिटी है जो अपने को थोड़ी सी हिडन करके रखनी है, पूरा 100% अपने को किसी के सामने शो नहीं करना। तो ये अपना सेकंड पॉइंट है, सेल्फ अवेयरनेस, जो कि जौहरी विंडो के थ्रू अपन ने समझ लिया। देन थर्ड पॉइंट इज पावर। पावर, अब पावर का यहां पे डायनामिक्स का क्या अर्थ है, जो भी अपने पास पावर है, लाइक अपन पेशेंट को डील कर रहे हैं, उसकी मेडिसिन है, कुछ भी है, वो अपनी अंडरटेकिंग के अंदर है, तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके उसके साथ में अपने को कोई भी गलत चीज नहीं करनी है, पावर का मिसयूज नहीं करना है। देन फोर्थ पॉइंट इज ट्रस्ट, एक ट्रस्टिंग नेचर, ट्रस्टिंग बिहेवियर पेशेंट के साथ डेवलप करना है ताकि अच्छा थेरापेटिक कम्युनिकेशन डेवलप हो सके। नेक्स्ट इंटीमेसी, कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेशेंट और नर्स के बीच कई पर्सनल एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं, संपर्क होते हैं, तो वहाँ पे इंटीमेसी, थेरापेटिक इंटीमेट रिलेशनशिप का भी अपने को ध्यान में रखना है ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। वहाँ पर भी अपने को क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है ताकि कोई भी चीज़ बाहर डिस्कस ना करें अपन, कोई आउट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट लास्ट पॉइंट है डायनामिक्स का। तो जब रेस्पेक्ट होगी किसी भी रिलेशनशिप के बीच में, पेशेंट के लिए रेस्पेक्ट करेंगे तो वो अच्छे से अपने को इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अपने साथ। तो इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कंप्लीट होता है। आज अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था क्या, कंपोनेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट थेरापेटिक रिलेशनशिप के कंपोनेंट डिस्कस किए, लाइक रिपोर्ट और एक्सेट्रा, और अपन ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, सोशल, इंटीमेट और थेरापेटिक रिलेशनशिप, एंड लास्ट अपन ने बात की डायनामिक्स ऑफ नर्स पेशेंट थेरापेटिक रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच।